एक्चुअली फौजी की जिंदगी ना एक जिंदगी नहीं पहरदारी होती है, एक सतर्क जिम्मेवारी। और इस जिम्मेवारी को एक सोल्जर कैसे निभाता है ये पूरा देश जानता है। बात सिर्फ पैसे कमाने की होती तो और भी ऑप्शन थे हमारे पास, पर ये जो वर्दी मैंने पहनी है ना, इसे कोई आम इंसान खरीद नहीं सकता है, इसे कमाना पड़ता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पहले घर से बाहर जाने को मन करता था, पर अब बाहर इतना रह लिया कि घर जाने को मन करता है। जिन हाथों में गोली डंडे और कंचे हुआ करते थे, आज उन्हीं हाथों ने इंसास पकड़ रखा है। अभी घर पे चार दिन ठीक से पहुंचे हुए होता नहीं है कि जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है, कब जाना है, कब की ट्रेन है भाई, कब जा रहे हो। इतना सवाल तो साला खुद से हमने कभी पूछा ही नहीं जितना बगल वाले पूछते हैं। माँ, आजकल हम वहां रहते हैं जहां कोई नहीं रहता, कभी -20 डिग्री में तो कभी जंगल में, कभी चाइना के आसपास तो कभी पाकिस्तान के आसपास। मेंटली एजाइल और फिजिकली दोनों फिट। जय हिंद जय भारत। इफ आई डाई इन अ वॉर जोन, box me up and send me home, put my medals on my chest, tell my mom I did my best, tell my dad not to bow, he won't get tension from me now, tell my bro to study perfectly, key of my bike will be his permanently, tell my sister not to be upset, her bro will take a long sleep after sunset. Tell my nation not to cry, because I'm a soldier born to die. Hello guys, এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবে। আর একটাই কথা বলবো, যদি তোমরা লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার নাও করো, আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিদের রেসপেক্ট করতে কখনোই ভুলবে না, কারণ তারা চাকরি করছে না, তারা আমাদের দেশের রক্ষা করছে। নৃত্রিক্স ডান্স একাডেমির পক্ষ থেকে সকলকে জানাই হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। জয় হিন্দ জয় ভারত।